नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। गोरखपुर में खोराबार पुलिस ने दो सगे भाइयों को 20 लाख की स्मैक, 2.5 लाख रुपए और 33 मोबाइल के साथ किया गिरफ्तार। गोरखपुर में खोराबार पुलिस ने दो सगे भाइयों को 20 लाख की स्मैक, 2.5 लाख रुपए और 33 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। खोराबार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी में दो सगे भाई स्मैक तस्करी में गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 20 लाख रुपए की 196 ग्राम स्मैक, 2,50,000 रुपए नगद और 33 मोबाइल बरामद किए गए। खोराबार थाना अंतर्गत फल मंडी के रहने वाले राजू निषाद और प्रदीप निषाद पिछले 6 महीने से निरंतर स्मैक तस्करी में लिप्त थे। खोराबार पुलिस को काफी दिनों से इनकी तलाश थी। खोराबार पुलिस ने एसपी सिटी विनय कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में और पुलिस अधीक्षक अपराध के मार्गदर्शन में और क्षेत्र अधिकारी कैंट प्रभात राय के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना के आधार पर राजू निषाद और प्रदीप निषाद को उस वक्त धर दबोचा जब वह स्मैक लेकर किसी को पहुंचाने जा रहे थे। नियम अनुसार गिरफ्तार हो गए। पुलिस की गहन पूछताछ में काफी अहम बातें भी इन्होंने कबूली हैं। इस घटना का खुलासा गोरखपुर पुलिस लाइन सभागार में एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर की। गोरखपुर से शाहिद खान की रिपोर्ट। चौकी इंचार्ज फरमंडी उनकी टीम ने स्मैक के दो बड़े कारोबारियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लगभग 200 ग्राम स्मैक और बिक्री के 2 लाख से अधिक रुपए, ये रुपए फुटकर मतलब 10 या 20 रुपए के कुछ सिक्के में भी ये बरामद किए गए हैं। और इनके पास से कुल 33 मोबाइल फोन, जो लगभग ज्यादा से ज्यादा एंड्रॉयड और स्मार्टफोन, इसमें टैबलेट भी अभी बरामद हुए हैं। जांच पड़ताल से पता लगा है कि जो शहर में मोबाइल की छिनैती या चोरी घटनाएं हो रही, ये लोग चोरों लुटेरों से मोबाइल खरीदते हैं, उनको स्मैक की बिक्री भी करते हैं और पैसे भी भेजते हैं। ये कुल 33 मोबाइल और एक टैबलेट, 2 लाख रुपए, लगभग 2 लाख से ज्यादा ही रुपए और 200 ग्राम स्मैक बरामद। सर, गिरोह है क्या इनका? अब आप इनसे पूछ लीजिए। पहले ये बता रहे हैं कि 5-6 महीने पहले यह इस धंधे में कूदे हैं, इन्हें काफी लाभ हो रहा है धंधे में। इसके पहले बता रहे हैं गौशाला के पास खेती बाड़ी वाला काम करते हैं दोनों से। सर, लाभ के पैसों के बारे में कुछ बता पाया कि उन्होंने इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, लाभ से हुए पैसे? अभी विस्तृत जांच की जा रही है। जो इनके पास बिक्री के पैसे थे उस समय जहाँ पे स्मैक बरामद हुई है वहीं पर ये पैसे मिले हैं उनके पास। क्या लग रहा है सर, कहीं इन लोगों का हीठा? इसकी हम विस्तृत जाँच कर रहे हैं कि स्मैक कहाँ से आ रही है, ज्यादा संभावना बाराबंकी से आ रही है और इनके कैरियर कौन है, इनके थोक व्यापारी कौन है, इसकी विस्तृत जाँच की जा रही है। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। यूएफटी न्यूज 24 के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।